अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु प्यारे बच्चों, वेलकम टू मकाम ऑनलाइन क्लास। बच्चों, चैप्टर नंबर 3 के सारे एडजस्टमेंट मैंने आपको समझा दिए थे। आज मैंने कहा था कि हम शुरू करेंगे किताब के प्रश्नोत्तर, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम अति लघुत्रात्मक प्रश्नों से। अति लघुत्रात्मक प्रश्न में जो शुरू के थ्योरी वाले प्रश्न हैं, ये आपको खुद को करने हैं, बहुत सिंपल है। और इसके आंसर तो आपको शब्दावली में मिल जाएंगे। जैसे पहला है, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने से क्या आशय है। तो जब साझेदारी फर्म में कोई साझेदार फर्म से अलग हो जाता है तो उसे साझेदार का अवकाश ग्रहण करना कहा जाता है। या मैंने आपको ये शुरू में लिखा दिया था कि भाई साझेदारी फर्म में एक कोई भी व्यक्ति या साझेदार अपनी वृद्धावस्था के कारण या अपनी बीमारी के कारण या किसी भी अन्य कारण से फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, अलग हो जाता है, तो उसे अवकाश ग्रहण करना कहा जाता है। तो ये सब आपको खुद को करने हैं। फिर अवकाश ग्रहण करने के दो तरीके बताइए, फिर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी क्या है। ये सारे आंसर आपको शब्दावली में ही मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 से, ए बी व सी एक फर्म में लाभों को 1/2, 3/10 और 2/10 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है। तीन साझेदार दिए हैं आपको अति लघुत्रात्मक प्रश्न का। क्वेश्चन 5, ए बी सी 1/2, 3/10 और 2/10, ये अनुपात हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये कह रहा है नया लाभ विभाजन अनुपात और फायदे का अनुपात ज्ञात करो। जब ए अवकाश ग्रहण करता है, जब बी अवकाश ग्रहण करता है और जब सी अवकाश ग्रहण करता है। तीन अलग अलग सवाल दे रखे हैं कि पहला है ए के अवकाश ग्रहण करने पर, दूसरा बी के अवकाश ग्रहण करने पर, तीसरा सी के अवकाश ग्रहण करने पर। बच्चों, इस प्रश्न को देखो, अपन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखो इनका अनुपात जो दे रखा है, इनके बटे में तो 10 है लेकिन इसके बटे में कितना है, 2 है। पहले इसको सही अनुपात में लेकर आओ। तो जब इसको वापस एकदम सही अनुपात में लेके आएंगे तो यहाँ लिखेंगे, देखिए ए बी सी 1/2, 3/10 और 2/10। अब इसको बराबर कैसे करेंगे, तो 10 है तो 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5 और 5 × 10, ये एज रहेगा 3/10, 2/10। तो इसका मतलब हुआ कि उनका जो रेशियो आया ए बी सी का वो आया 5:3/2। ये इनका एक्चुअल रेशियो है। क्या है? एक्चुअल रेशियो। अब आपको जैसा प्रश्न कहता है, जैसा किसने कहा पहला ए फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, तो पहला ए फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, तो नया अनुपात जो होगा न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो किसका होगा, बी और सी का। तो अब देखिए, जब मैंने कहा था सूचना का अभाव होता है, प्रश्न में कुछ भी नहीं दिया हुआ होता है और कोई साझेदार रिटायर हो जाएगा तो जो रिटायर हो गया उसको छोड़ दो, रिमेनिंग बचते हैं वही उनका क्या होगा, नया लाभानी अनुपात और फायदे का अनुपात। तो यहाँ पे न्यू रेशियो बी और सी का हो जाएगा आपका 3:2 और गेन रेशियो भी जो है बी और सी का सेम टू सेम हो जाएगा, गेन रेशियो बराबर बी अनुपात सी बराबर 3:2, ऐसे सेम टू सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। इसी टाइप से जैसे दूसरा है कि बी अवकाश ग्रहण करता है, तो बी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, तो इस कंडीशन में न्यू रेशियो बराबर हो जाएगा, न्यू रेशियो बराबर ए अनुपात सी। अब बी के जाने के बाद ए और सी बचेंगे, ए और सी का अनुपात हो जाएगा 5:2, और यही इसका गेन रेशियो भी होगा सूचना के अभाव में। जब प्रश्न के अंदर हमें
फायदे का अनुपात नहीं दिया गया है या किस अनुपात में उसका हिस्सा खरीदा गया है शेष साझेदार द्वारा, तो पुराना अनुपात नया अनुपात होगा और इसी अनुपात को हम कह देंगे गेन रेशियो 5:2। सिमिलरली तीसरा जो है वो है सी होगा क्रिएट करता है, ग्रहण करता है। तो देखिए बचेगा कौन, ए और बी बचेंगे, तो न्यू रेशियो ए और बी का, अब ए और सी का रेशियो कितना रहेगा 5:3, न्यू रेशियो 5:3 ए और बी का। इसी टाइप से गेन रेशियो भी ये का ही हो जाएगा, गेन रेशियो बराबर ए अनुपात बी बराबर 5:3। ठीक है बेटा, तो एज इट इज सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, आगे सॉल्व कर सकते हो, तो ये बिल्कुल आसान था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। ए बी सी जो लाभों को 2:1:2 के अनुपात में बांटते हैं, ए अवकाश ग्रहण करता है, ए का पूरा हिस्सा बी प्राप्त करता है, नया लाभ वजन अनुपात ज्ञात करो। देखिए तीन साझेदार है ए बी सी, ए बी सी तीन साझेदार है और अनुपात दिया हुआ है 2:1:2। अब यहाँ रिटायर कौन हो रहा है, ए रिटायर हो रहा है और ए का हिस्सा खरीद कौन रहा है, बी खरीद रहा है। तो जो ए का संपूर्ण हिस्सा है बी का क्या हो गया, फायदा हो गया। नए अनुपात का सूत्र क्या होता है, पुराना प्लस फायदा। तो यहाँ पर जो है सिर्फ बी का निकालने की जरूरत पड़ेगी, सी का वही रहेगा पुराना वाला ही। जब सॉल्व करेंगे तो न्यू रेशियो की कैलकुलेशन करेंगे, न्यू रेशियो उसमें सिर्फ बी, तो पुराना है 1/5 और प्लस फायदा हो गया 2/5, दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा 3/5 और सी का तो एज इट इज वही रहेगा 2/5, जो पुराना है वही रहेगा। तो आप देखो यहाँ पे नया अनुपात क्या आ गया, तो बी अनुपात सी का नया रेश हो जाएगा 3:2। ठीक है बेटा, देखो नया अनुपात निकालना था, नया का सूत्र होता है पुराना प्लस फायदा, तो बी का पुराना 1/5, फायदा जो है 1 देके जा रहा है पूरा, तो एक का हिस्सा पूरा जोड़ दिया अपन ने बी के अंदर, तो ये उसका नया आ गया 3/5। सी का 2/5 है, 3/5 और 2/5 बटे में सेम संख्या है 5, तो अनुपात हो जाएगा 3:2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ए बी सी लाभों को 1/4, 2/5 और 7/20 के अनुपात में बांटते हैं। सातवां प्रश्न, ए बी सी 1/4 अनुपात 2/5 अनुपात 7/20। देखिए फिर यहाँ पर क्या अपन को एक्चुअल अनुपात लेना पड़ेगा, तो इसको ही अपना एक्चुअल में बदल देते हैं, सबके बदले में 20 करना है तो 20 बराबर होना चाहिए, वैसे 10/20 ही होता है 4×5=20 का, तो 20 करने के लिए 5 से गुणा करेंगे, 5×5 और 4×20 चार बार गुणा करेंगे तो 4×8 और 4×20 और ये तो 7/20 रहेगा, तो इसका मतलब एक्चुअल अनुपात जो आया वो आया 5:8:7, ये इनका एक्चुअल अनुपात है, पुराना अनुपात ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब इसके बाद में वो कह रहा है सातवें में बी अवकाश ग्रहण करता है और बी का हिस्सा ए और सी 1:2 में क्रय करते हैं, नया लाभ विभाजन और फायदे का अनुपात। तो देखिए जो अनुपात दिया हुआ 1:2, ठीक है वही उनका गेनिंग रेशियो होगा, फायदा तो उसने खुद ने दे दिया, बस वो कह रहा है कैलकुलेट करके और बताओ। तो देखिए इस कंडीशन में कैसे निकालेंगे अपन, सबसे पहले निकलेगा फायदे का अनुपात, किसका निकलेगा फायदे का अनुपात,
यानी कि गेन रेशियो, गेन रेशियो। पहले फायदे का अनुपात निकाल सकते हैं अपन। अब फायदे का अनुपात जैसे कि पहला ए है, ए अब ये जो बी का हिस्सा है 8/20 ये वाला बी का हिस्सा, इसको हमें किस अनुपात में बांटना है? 1:2 के अंदर। किस अनुपात में बांटना है? 1:2 के अंदर। तो 1:2 के अंदर जब बांटेंगे यानी 1/3 और 2/3, तो ये हो जाएगा ए का फायदा 8/20 गुणा 1/3, ये हो जाएगा 8/60। और 8/60 को जब सरल करेंगे अपन लोग, तो सरल करने पर ये 2 के पारे से 4 बार कट गया, और 2 के पारे से या 4 के पारे से कटे तो 2/15 आ जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से सी का फायदा, तो 8/20 का 2/3, ये 2/3। तो देखिए 8 × 16 और 20 × 7, 4 के पारे से जब काटेंगे तो ये कटेगा 4 बार और ये 15। अब देखिए फायदे का जो अनुपात आया ए अनुपात सी वो हो गया 2/15 अनुपात 4/15। अब 15-15 तो सेम है, तो अनुपात क्या आएगा? 2:4। और 2:4 को जब सरल करेंगे और, तो 2 × 2, 2 × 4 यानी 1:2। कैलकुलेट करने पर वापस वही आएगा जो प्रश्न में दिया होगा। अब करते हैं फाइंड नया रेशियो, तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। न्यू रेशियो के अंदर पहले ए, अब न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड प्लस गेन, तो ओल्ड कितना? 5/20 प्लस गेन कितना? तो गेन ये वाला है ए का 2/15, ये 2/15। इसी टाइप से सी का ओल्ड कितना है? 7/20 और प्लस गेन है 4/15, 2/15 और 4/15, 20 और 15 का लसअप हो जाएगा आपका 60। कितना हो जाएगा? 20 और 15 का लसअप कितना आएगा? 60 आएगा, ठीक है। अब देखिए 20 का 60 में 3 बार 3 × 15 प्लस 15 का 4 बार 4 × 8 15 और 8 23/60। यहाँ पे भी लसअप हो जाएगा 60 ही आएगा। 3 बार 3 × 17 = 21 प्लस 4 बार 4 × 16 तो ये हो जाएगा 37/60। अब देखिए बटे के साथ बराबर है, तो ए और सी का अनुपात आ गया 23/37। ये ए और सी का नया लाभदी अनुपात, ठीक है बेटा, इजी है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में ए बी सी 4:3:1 के अनुपात में लाभ भाजन करते हैं। ए बी सी 4:3:1 के अनुपात में लाभ भाजन करते हैं। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है कि बी अवकाश ग्रहण करता है और अपने लाभ के भाग को ₹8,100 में बेच देता है। कितने में? 8,100 में। अब ये 8,100 में से ए द्वारा इसके लिए 3600 और सी द्वारा 4500 दिए जाते हैं। नया लाभ भाजन और फायदे का अनुपात ज्ञात करो। तो बेटा यहाँ पे फायदे का अनुपात 8,100 में उसने बेच दिया, ए ने कितने दिए? 3600। सी ने कितने दिए? 4500। जो पैसे दिए वो फायदा है, जो पैसे दिए वो क्या है? फायदा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर अपन को जो ए और सी है वो बी का शेयर किस रूप में बांट रहे? 3600 और 4500 के अंदर बांट रहे, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो ए व सी का फायदा, कुल फायदा। तो यहां पे फायदा हो रहा है, हो रहा है 3600 अनुपात 4500। तो 3600 अनुपात 4500, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 चौक 36,
अनुपात में वो खरीद रहे हैं, तो वो खरीद रहे हैं 4:5 के अनुपात में। किस अनुपात में? 4:5 के अनुपात के अंदर। तो अब ये बी का हिस्सा है, इसको बांटा जाएगा 4:5 के अंदर, तो वो होगा ए और सी का फायदा। तो यहाँ लिखेंगे ए कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो, ठीक है। ये हो गया किस अनुपात में खरीदा, बी और सी का हिस्सा ए और सी ने किस अनुपात में बांटा, तो ये बांटने का अनुपात है फिलहाल तो अभी। तो अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो, तो गेन रेशियो में पहले ए ए, तो ए को फायदा हो रहा है 3/8 का 4/9, 3/8 का 4/9, तो 4 × 4 = 8, 3 × 3 = 9, यानी 1/6। इसी टाइप से सी का निकालेंगे तो 3/8 बी का, और गुणा कर देंगे बी सी कितने में ले रहा है 5/9, तो 5/9 3 × 3 = 9, अब नहीं कट रहा है तो ये हो जाएगा 5/24। अदरवाइज के बेटे भी कितने हैं, 24 है, ये 6 है, तो 6 × 24 करने के लिए गुणा किससे करना पड़ेगा 4 से, तो ये हो जाएगा 4 × 4 और 4×6 = 24। तो कुल मिला के ए और सी के फायदे का अनुपात आ गया 4:5। ये ए और सी का फायदा, कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो। अब कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, न्यू रेशियो की जब कैलकुलेशन करेंगे तो अब यहाँ पे ए, तो फॉर्मूला क्या होता है, पुराना प्लस फायदा, ए का पुराना 4/8 प्लस फायदा, तो ए का फायदा जैसे 4/5 है तो भले इसको ले लो, या फिर ये वाला फायदा 1/6 है, या 4/24 उसको लेना है, तो यहाँ पे जैसे 1/6 को लेते हैं जो बी से मिला, तो बी से उसको कितना मिला 1/6, सी को कितना मिला 5/24, ये उनका फायदा है। 10/5 × 8 × 6 = 24, 3 × 3 = 12 प्लस 4 × 4 = 4, ये हो गया 16/24। इसी टाइप से सी का निकालो, तो सी का पुराना 1/8 और प्लस फायदा 5/24, तो ये हो जाएगा आपका 10/24, 8 × 3 = 3 × 3 प्लस 5 × 5, तो एक बार भाग जाएगा तो 5 × 5, 3 और 5 हो गए 8/24। अब देखिए 16/24 और 8/24, तो यहाँ पे ए अनुपात सी बराबर आ जाएगा 16/8, और जब इसको सरल करेंगे 8 × 12 = 8 × 16 = 8 × 9, तो नया भाग में अनुपात इनका कितना जाएगा 2:1, ठीक है बेटा। तो ये इनका नया लाभानी अनुपात हो गया 2:1, इसका ए और सी का, ठीक है बेटा। अब देखिए लघुतरात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न का पहला दूसरा तीसरा ये आपको स्वयं करना है, मैं करूँगा क्वेश्चन नंबर 4 से, कुछ मैं करूँगा कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए भी करना है, ठीक है। और इसका नंबर 10वां प्रश्न आपको खुद को करना है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4,
ए बी सी एक फर्म में साझेदार है जो 2:3:4 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। ए बी सी तीन पार्टनर हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी 2:3:4 ये इनका रेशियो दे रखा है। फिर कह रहा है सी अवकाश ग्रहण कर लेता है, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 45,000 का किया गया। कौन अवकाश ग्रहण कर रहा है? सी अवकाश ग्रहण करता है और ख्याति का मूल्यांकन जो है, ख्याति का मूल्यांकन वो दे रखा है 45,000 रुपये। कितने हजार? 45,000। फिर कह रहा है आगे लेखा पुस्तकों में ख्याति खाता 27,000 पर दिखाया गया है। अब लेखा पुस्तकों में पहले से ख्याति खाता मौजूद है, ठीक है, पुराना ख्याति खाता या पुरानी ख्याति, उसका मूल्य दिया हुआ है 27,000 रुपये। कितने हजार रुपये? 27,000 रुपये। अब देखिए आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। तो मैंने आपको कहा था पहले तो पुराना खाता है उसको बंद करेंगे किस अनुपात में? पुराने अनुपात में। फिर नई वाली जो एंट्री होगी वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होगी? जो रिटायर्ड पार्टनर हो रहा है उसके हिस्से की ख्याति से, और वो भी किस अनुपात में? गेन रेशियो के अंदर, फायदे के अनुपात में। तो इस कंडीशन में पहली एंट्री जो होगी यहाँ पर वो तो होगी पुराना ख्याति खाता बंद करने की। तो जब बंद करेंगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे और ख्याति क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट। अब देखिए 27,000 को 2, 3, 4 के अनुपात में बांटना है तो 2 और 3, 5 और 4, 9, 27 में 9 का भाग करा दो 3,000, 3 × 6,000, 3 × 9,000, 3 × 4, 12,000, टोटल मिला के हो जाएगा 27,000 रुपये। ये पहली एंट्री। दूसरी एंट्री जो होगी, अच्छा इसका निरसन हो जाएगा कि ओल्ड गुडविल अकाउंट राइट ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अब देखिए ख्याति का मूल्यांकन 45,000 का किया गया, तो यहाँ पर अपन को जो है किसकी ख्याति निकालनी है? सी की ख्याति। तो सी की जब ख्याति की गणना करेंगे पहले एंट्री कर देते हैं। एंट्री जो होगी वो होगी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग मतलब ए और सी। अब फायदे का अनुपात, जब प्रश्न में कुछ नहीं होता है तो पुराना अनुपात ही फायदा बन जाता है। सी रिटायर हो गया तो ए और डी का नया भी यही रहेगा और फायदा भी यही रहेगा। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सी कैपिटल अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे सी की ख्याति की गणना करते हैं। तो सी की ख्याति बराबर 45,000 × 4/9, 45,000 × 4/9, ठीक है बेटा। तो देखिए 9 के 5 से काटा, 9 बचे 45 और 5 × 20,000 रुपये। उसकी ख्याति कितनी आई? 20,000 रुपये। अब ये 20,000 रुपये 2:3 में बांटने हैं, तो जब बांटेंगे तो ये आएगा 8,000, ये आएगा 12,000 और सी के अंदर टोटल आ जाएंगे 20,000 रुपये, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ख्याति से संबंधित। अब ख्याति से संबंधित प्रश्न आपको खुद को करने हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है ख्याति का, ठीक है। ये 5वां और 6ठा प्रश्न आपको होमवर्क के अंदर करना है।
फिर कल करेंगे अपन बाकी वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।